मैंने लिख दिया सर्च ऑपरेशन एंड ट्रांसफर नंबर ऑफ एडिट कर दिया। काफी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो अभी भी लगी हुई हैं। शहर की बात करें या सर्विसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है वो भारत मॉनिटर के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गाड़ी की रिपेयरिंग जहाँ पे होती है। तो अब आइडल पार्किंग की गाड़ियां हैं, पुलिस प्रशासन के जमाम जो लोग हैं, डीआईजी जम्मू ग्रुप कर रहे हैं, एसएसपी जम्मू पहुंचे हैं, तमाम बड़े अधिकारी जो है इसको हम कोशिश कर गए हैं अधिकारियों से बात करने के लिए और एसएसपी लॉट जो है तमाम जो सबूत उन्होंने जुटाने थे उनको लेकर। और अब देखना होगा कि क्या पुलिस जो है वो मीडिया के सामने कुछ चीजें बड़ी करती है नहीं करती है। सैनिटाइज किया जा रहा है, एक एक क्षेत्र को एक एक कोने को ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं और विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है। सुरक्षा बल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पूरी तरह से यहाँ पर एक एक गाड़ी की छानबीन हो रही है, एक एक कोने की छानबीन हो रही है और काफी चिंता का विषय है, गंभीर विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। प्लीज इनको पाएंगे उस तरीके से वैसे ही बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। डॉग भी जो है वो थोड़ा सा और तरह का किसी और तरह का इंसिडेंट जो है वो देखने को ना मिले। यार ये गाड़ी है राजू कल पता है रेडियो वो चलो अपना काम करो, चलो अंदर जाओ गाड़ी को चलो। सब इसके है वो लोकेशन में जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड जो है तमाम जवान जो हैं एसओजी के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एफएसएल की टीम जो है वो जांच कर रही है कि आखिर ये जो ब्लास्ट है ये किस तरह का ब्लास्ट था और कितना पावरफुल ये ब्लास्ट। आप देख सकते हैं
डॉग स्क्वाड जो है वो भी नरवाल उसी स्पॉट पर बुलाया गया है जहां पर दो सस्पेक्टेड मिस्टीरियस ब्लास्ट जो होते हैं ट्विन ब्लास्ट हुए हैं सुबह, और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरा एरिया किया, सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड जो है चलो चलो भैया, और अब देखिए यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो पहुंची है, और देखिए इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जिनका उपचार जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, और सामने आप देख सकते हैं कि हर एक चप्पे चप्पे की और हर एक कोने की जो है वो जांच की जा रही है, और सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। आगे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम यहीं से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसमें एक धमाका हुआ जिसमें पांच लोग जो नज़दीक मौजूद थे वो जख्मी हुए हैं, सभी की हालत ठीक है, सभी को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। उस वक़्त इलाके को खाली करा दिया गया था, और जब खाली कराने की प्रक्रिया हो गई थी तो एक और धमाका 50 मीटर दूर हुआ, उस पर एक शख्स को मामूली सी जख्म आई है, वो भी अभी सेफ है और हॉस्पिटल पहुंच गया है, मामले की जांच चल रही है।